कुछ मुट्ठी भर लोगों को जीत लेना पूरी जनता को जीतना नहीं कहा जा सकता। और ये इसलिए साफ है क्योंकि अगर उन मुट्ठी भर लोगों को एनालाइज किया जाए, विश्लेषण किया जाए उनका, तो आपको साफ तौर पे पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हुई है उन मुट्ठी भर लोगों में कांग्रेस सरकार की जीत। आज हम उस जीत का विश्लेषण और एक दूसरी जीत का विश्लेषण इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। राज्यसभा में कांग्रेस की जीत हुई और इस कांग्रेस की जीत के पीछे क्या क्या कारण रहे, इसको हमें बहुत ही विशेष तौर पे समझना होगा। सबसे बड़ा कारण रहे वो निर्दलीय जो पूरी तरह से पिछले 3 साल से कांग्रेस के द्वारा पाले गए हैं, या यूं कहें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको सींचा है। याद कीजिए वो विधानसभा चुनाव जिसमें ये निर्दलीय जीत कर आए थे। ये वही निर्दलीय थे जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला और जिनको पीछे के हाथ एक शक्ति दी गई कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पक्का जीत जाओगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की वजह, कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया था उनको हरवाया इन निर्दलियों को जिताने के लिए। और इसलिए ये जो निर्दलीय थे ये हमेशा उन फोर्सेस के कृतज्ञ रहे जिन्होंने खुद अपनी कांग्रेस को हरवाकर इन्हें जिताया। और फिर ये बताया गया कि जैसे ही इलेक्शन जीते ये उनके घर पे पहुंच गए और साफ तरीके से, पूरे तरीके से ये दानम शंडम गच्छामी हो गए और उनको साथ में लेकर सरकार बनाई गई। और कहीं ना कहीं ये बताया, दिखाया, जताया गया कि सरकार इनके बिना नहीं बन सकती, क्योंकि एग्जैक्टली सरकार को जो बनने के लिए नंबर्स चाहिए उस बाउंड्री पे ही नंबर्स लाए गए और उतने ही लोगों को इस गणित बिठा के जिताया गया कि बाउंड्री तक ही कांग्रेस के लोग आए और बिना इन निर्दलियों के कांग्रेस जीत ही ना पाए। ये वही निर्दलीय हैं जिनको पिछले 3 सालों से पूरी तरह से सींचा गया, पूरी तरह से पनपा गया, पूरी तरह से पाला गया, और अब उनके वोट की वजह से राज्यसभा का जीतना ये नहीं कहा जा सकता कि जनता का जीतना है। आज इस वीडियो में हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है राज्यसभा जीतने की, और राज्यसभा में वो लोग जीते हैं राजस्थान के कोटे से जिनका राजस्थान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं सबसे पहले मुकुल वासनिक, ये कौन है, क्या राजस्थान वाले इनको जानते हैं? नहीं, ये कांग्रेस आलाकमान के सबसे करीबी है। दूसरे कौन है, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो अपना इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन जनता के बीच में कभी हरियाणा में कभी नहीं जीत पाए, ये कौन है, ये भी कांग्रेस आलाकमान के बेहद करीबी है। और तीसरे हैं प्रमोद तिवारी, जो यूपी में जीतते आए हैं लेकिन कांग्रेस आलाकमान के भी बेहद करीबी है, जिनका राजस्थान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इन तीनों को जिताने के लिए वो लोग इस्तेमाल में आए जिनको या तो डराया गया एसीबी के थ्रू, या फिर जो सरकार के पार्ट है, या फिर जो वो लोग हैं जो निर्दलीय हैं और जिनको 3 साल से सींचा गया, पाला गया, और बाकी वो लोग हैं जिनको भी सींचने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो ये इतने से लोगों की वजह से वो 3 लोग जीते हैं जिनका राजस्थान से कोई ताल्लुक है नहीं। दूसरी तस्वीर आप देखिए सचिन पायलट की। सचिन पायलट इन्हीं दिनों में जहां जहां पर भी गए, क्या भीड़, क्या मजमा, क्या लोग, क्या जनता की मोहब्बत मिल रही है, बिना कोई पद लिए हुए, बिना कोई बहुत बड़ा मंत्री पद हुए, बिना कोई बहुत बड़ी पावर हुए, यानी कि दिखाता है साफ ये 2 तस्वीरें कि कौन जनता की जीत है और किसकी जीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक गणित की जीत है। तो ये जो 2 तस्वीरें हैं वो राजस्थान का पूरा भविष्य बता रही है, दिखा रही है कि राजस्थान की जनता किसको मोहब्बत करती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के कुछ लूप होल्स हैं, ये नंबर गेम के कुछ लूप होल्स हैं जिनकी वजह से इस बहुत सारे प्यार के बावजूद भी सचिन पायलट आज भी बिना किसी पद के बैठे हैं, लेकिन कद फिर भी बड़ा है। पर यहां जो दूसरी तरफ है वो भले ही जहां पर भी जाते हैं जनता बहुत स्वागत, बहुत ज्यादा
गर्मजोशी से स्वागत नहीं करती, लेकिन नंबर गेम के माहिर, ये बात माननी पड़ेगी। और नंबर गेम के माहिर होने की वजह से राजस्थान में, राजस्थान के कोटे में राज्यसभा से राजस्थान का कोई नहीं होने के बावजूद भी यहां पर उन लोगों को राज्यसभा के कोटे से उच्च सदन की सीटें दिलवा दी गई जो कहीं ना कहीं आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान के बेहद करीबी है। और कांग्रेस आलाकमान में अपने नंबर बढ़ा दिए गए। कांग्रेस आलाकमान में नंबर बढ़ाने का मतलब यह है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों बाद कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव हैं, आलाकमान के सामने नंबर बनाने जरूरी थे और जाहिर तौर पर इसका आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बेहद बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि ये तीनों लोग कांग्रेस आलाकमान के नज़दीक हैं और इसका जीत का पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिलने वाला है। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं जीता हो ना जीता हो, लेकिन ये नंबर गेम का जो लूप होल है इसकी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से जीत गए हैं। लेकिन ये जो सचिन पायलट वाली तस्वीरें हैं, जो कई हजारों लोग उनको इतनी मोहब्बत कर रहे हैं उस इलाके में जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी भी नहीं है, तो साफ तौर पे पता चलता है कि जनता के कौन करीब है, जनता के कौन साथ है। और इन दो तस्वीरों का सच आपको सब कुछ बता रहा है। कैसा लगा आपको यह विश्लेषण? अगर यह विश्लेषण आपको बेहतर लगा है, अच्छा लगा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप राजनीति की परतों के पीछे की सच्चाई जान सकें और लोगों को भी बता सकें। देखते रहिए राजस्थान संवाद। ओ बडीज गिल्ट फ्री हैप्पी स्नैकिंग। घंटों के कन्वर्सेशंस में जो स्नैक्स मिनटों में रिफिल होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये स्नैक्स ही तो उनकी फील होते हैं। लेकिन बहुत सारी ईटिंग के बाद ख्याल हमें जब अपनी हेल्थ का आता है तो मम्मी पापा की चिंता का मीटर चालू हो जाता है। कितना अट्रम शट्रम खाते रहते हो तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सलूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ। ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जबान उसे छोड़ नहीं पाएगी और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी खाएगी। अच्छा ओ बडीज है तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL Foods Limited ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है। और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है। और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me. And I thought what to do, what not to do. Because when the health comes, the taste goes away. And when the taste comes, the health goes away. It's a real, real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way that what to do. And I really thought of the ancient time, how they were just adding the taste to the healthy dishes. And then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के healthy snacks बनाऊँ जो herbs में भी हों, अच्छे spices भी हों, जुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए। और इसी तरह बन गया ओ बडी का स्नैक्स। दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए, ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओ बडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए। कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओ बडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी है। यही नहीं, ओ बडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है। तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है, तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओ बडीज है क्या? और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाए 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका। तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओ बडीज पे खर्च करें।